स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की अक्षरा और उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका चिरमहान, उसको हम लोग कर रहे थे और एक वीडियो में हम लोग एक पैरा पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। यही सॉरी जैसे कि है सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण मैं उसका प्रेमी, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिसमें मिल जाए अखिल व्यक्ति। तो कह रहे हैं जिसमें, यहाँ तक आप पढ़ चुके थे हित समान तक में, अब यहाँ देखिए कह रहे हैं कि जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो पहले बता चुके हैं ना कि मैं उसका प्रेमी बनूं, मैं उस व्यक्ति का अनुसरण करूं। किस व्यक्ति का? जो दीर्घायु है, जो जिसका व्यक्तित्व महान है, जिसकी आत्मा सत्य से पूर्ण है, जिसका हृदय सुंदर है, ऐसे व्यक्ति का मैं अनुसरण करूँ और जो मानव का कल्याण करे, जो सहायता करें लोगों की, ऐसे व्यक्ति का मैं अनुसरण करूं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जिससे जीवन में मिले शक्ति। तो सारे बच्चे प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसका मैं का अनुसरण करूं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे हमें जीवन में अपने जीवन शैली में शक्ति मिले, उसका अनुसरण करेंगे, उसके पथ जिन्हों पर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगी। तो ऐसे व्यक्ति का मैं अनुसरण करूं जिससे हमें जीवन में शक्ति मिले, छूटे भय, भय मतलब डर, डर दूर हो जाए हमारे हृदय से, डर दूर हो जाए, संशय अर्थात भ्रम, संशय अर्थात क्या होता है? भ्रम, हमारे अंदर का जो भ्रम है वो दूर हो जाए, और अंधभक्ति, अंधभक्ति का मतलब होता है किसी को बेतहासा मतलब आँख मूंद करके विश्वास करना, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। तो ये सारी जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो हमारे अंदर से दूर हो जाएं। यदि हम इन उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं तो हमारे अंदर से डर, भ्रम और अंधविश्वास, मतलब अटू मीन्स कहने का है कि बिना सोचे समझे किसी पर अत्यंत विश्वास कर देना, कर लेने वाला जो बात हो, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर से क्या हो जाए? दूर हो जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, और ये सारी चीज़ें हमारे हृदय से जब हट जाएंगी, हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएंगी, तो मैं क्या हो जाऊँगा? मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मतलब हे ईश्वर, फिर मैं वह प्रकाश, वह प्रकाश का अर्थात वह ज्ञान देने वाला बन सकूँगा, जिस मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें सारा व्यक्ति समाहित हो जाए। प्रकाश जब फैलता है, जब एक कमरा है मान लीजिए वो अंधेरा है, उसके अंदर जब प्रकाश लाइट जल गई तो हर एक चीज़ हमें दिखाई पड़ने लगती है ना, उस बेड है, अलमारी है, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है, भाव समझिए, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर इतना ज्ञान भर जाए कि हम सारे व्यक्तियों को, संपूर्ण व्यक्तियों को बांट सकें, ठीक। अर्थात मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, अर्थात हमारे अंदर इस प्रकाश का ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए जिसमें सारे व्यक्ति, अखिल व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति उसका लाभ कमा सके, उनको मैं अपना ज्ञान बांट सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, कह रहे हैं हे ईश्वर, तुमसे अमरता का वरदान पा करके, अर्थात तुमसे आशीर्वाद पा करके। अमरता का वरदान पाने का मतलब क्या है? आशीर्वाद पाना। हे प्रभु, तुमसे आशीर्वाद प्राप्त करके मैं क्या करनी, मानव का परित्राण, मैं मानव की क्या कर सकूं? रक्षा कर सकूं, उनका जो है कल्याण कर सकूं। हे ईश्वर, मेरे अंदर से ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, हमें उनका अनुसरण, उन ऐसे महान व्यक्तित्व का अनुसरण करने का अवसर प्रदान करिए, और हमारे अंदर से सारी जो जो अवैध, जो बुरी आदतें हैं उनको हटा दीजिए, और इस प्रकार का ज्ञान भर दीजिए, हाँ, कि
कि जिसको मैं सारे व्यक्तियों में बांट सकूं और आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, हे प्रभु आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं, ताकि सारे मानव का परित्राण कर सकें, मानव का परित्राण अर्थात कल्याण कर सकें, ला सकूं विश्व में एक बार। और जब सभी मनुष्य का कल्याण करेंगे तो विश्व में एक पूरे विश्व में संसार में एक बार फिर से नौ जीवन का विहान, तो पूरा विश्व क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा ना। तो पूरे विश्व में एक बार फिर से नयापन ला सकूं, पूरे विश्व में एक बार फिर से क्या करूं, नयापन ला सकूं। मेरी पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रही है, एक मिनट, हाँ, नयापन ला सकूं। तो कह रहे हैं कि कन्नी मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो इस तरह का मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, हाँ, और इस तरह का मुझे आप ज्ञान दीजिए ताकि संपूर्ण व्यक्ति में मैं ज्ञान बांट सकूं, और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मानव का कल्याण कर सकूं, और फिर से जब प्रत्येक मनुष्य का कल्याण कर सकूंगा तो पूरे विश्व में फिर से एक बार नव जीवन आ जाएगा, सब व्यक्ति एक नयापन लिए होगा, ये नव सारे व्यक्ति में एक नया जीवन होगा, पूरा संसार एक नव ज्योति से संपूर्ण होगा, ठीक है, नया जीवन जीने को तैयार रहेगा। तो इस तरह से बच्चे प्रभु से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो है ये व्याख्या समझ में आई होगी। यदि आपको व्याख्या न समझ में आई हो, जहां आपको दिक्कत हो रही हो, तो निसंकोच मुझसे आप पूछिए, जब आप मुझसे प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्नों को लेकर के, और सुकुमार कवि जो है हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी, इनके बारे में भी हम कुछ जानेंगे। तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और जब आप वीडियो को एक के बाद एक पढ़ेंगे तो आप निसंदेह आपको ये वीडियो जो है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और प्रश्नों का उत्तर आप खुद हल करने में समर्थ होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले अभ्यास और सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।